दिनांक 7 अप्रैल दिन मंगलवार को कानपुर जिला प्रशासन द्वारा आम जनमानस के लिए जरूरतमंद के अनुसार दी गई छूट सुबह 6 से 11 तक बंद कर दिया गया है। वहीं जो गरीबों और मलिन बस्तियों तक खाना पहुंचाने का भी कार्य कर रहे थे, उन्हें भी अब लगाम लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सेवक संघ के सदस्यों द्वारा कोरोना वायरस से पीड़ित जनता के लिए 1100 लंच पैकेट बनाकर पीड़ित जनता तक मलिन बस्तियों तक पहुंचाने का कार्य किया गया, जिसमें सभी स्वयं सेवकों का योगदान रहा, जिसमें रजत कुमार शर्मा, विवेक त्रिपाठी, सतीश अवस्थी व सुरेंद्र तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा नाम विवेक त्रिपाठी जय भैया है और आज हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विवेकानंद नगर आज़ाद शाखा के राष्ट्रीय स्वयं सेवक कार्यकर्ता ने जो है 1100 लंच पैकेट का वितरण कोरोना महामारी से पीड़ित जो फंसे हुए गरीब मजदूर किलिया रिक्शा आदि लोगों को जो है लंच पैकेट का वितरण कराया गया है। लोगों क्या अपील दे रहे हैं आप अपने माध्यम से दे रहे हैं कि लोग जो है डिस्टेंस दूरियाँ बना के रखें, सावधानी रखें, घर के अंदर रहें, जनता कर्फ्यू लॉकडाउन का जो है विशेष ध्यान रखें। आज कहाँ का खाना का वितरण? आज जो है हम लोग जो है बर्रा दो कच्ची मड़ैया, शेदी सिंह का पुरवा, उज्जैनी, रविदासपुरम आदि विभिन्न क्षेत्रों में वितरण करेंगे। लगभग ये कितने दिन का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम पिछले जो 14 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू का लॉकडाउन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है आज से ये संकल्प ले रहे हैं कि नित्य जो है हम लोग 500 लंच पैकेट